हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैलकुलेटेड वेज एक्चुअल प्रोडक्शन के। हमारे पास जो कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है और एक्चुअल प्रोडक्शन में बेसिकली इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है और इसको किन किन तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो हमारे पास है कैलकुलेटेड प्रोडक्शन, हम ये फाइंड करेंगे, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन फाइंड करेंगे और फिर मशीन एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। मशीन एफिशिएंसी बेसिकली इन दोनों के साथ रिलेशन में है। और पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या है? अच्छा, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मशीन है, दिस इज द मशीन, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसको एक घंटा हम चलाए। तो एक घंटा हमने कैलकुलेशन की कि एक घंटा में इसकी इतनी प्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 60 मिनट्स में, 1 आवर में इसकी कितनी प्रोडक्शन है, 1177.5 यार्ड्स पर आवर। फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्शन है, हमने कैलकुलेशन की, ठीक है। लेकिन जब हमने मशीन को रन किया तो मशीन टोटल 60 मिनट्स नहीं चला, बीच में कुछ गैप्स आ गए। फॉर एग्जांपल हमने मशीन की मेंटेनेंस की या मशीन में ख़राबी आ गई, उसकी वजह से एक घंटे के दरमियान में बंद हो गया और मशीन कितना चला, 45 मिनट चला। तो जो 45 मिनट का गैप आया तो हम कहेंगे कि मशीन की एफिशिएंसी कम है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो रिलेटेड है वो है टाइम के साथ, कि कितना टाइम एक मशीन एक्चुअली चला, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एफिशिएंसी। आता हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, आता हूं मैं पहले की तरफ कैलकुलेटेड प्रोडक्शन के। कैलकुलेटेड प्रोडक्शन क्या है? जब भी हमें कोई ऑर्डर मिले और हम कैलकुलेटर उठा लें और हम कैलकुलेशन कर लें कि कितना प्रोडक्शन एक मशीन देता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कैलकुलेटेड प्रोडक्शन। तो हमारे पास कैलकुलेटेड प्रोडक्शन कैसे फाइंड आउट होता है? हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम ब्लो रूम का स्केचर मशीन ले ले और उसका आखिरी रोलर ले ले, इसका सरफेस स्पीड फाइंड करें, इसकी डिलीवरी स्पीड फाइंड करें, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? हम करेंगे पाई डी एन। पाई क्या है? क्योंकि वो मशीन का जो रोलर है वो गोल है, इस वजह से हम पाई ले रहे हैं। डी इज़ बेसिकली डायामीटर, इस मशीन का डायामीटर कितना है, और एन इज़ बेसिकली कॉल्ड आरपीएम। RPM is basically called revolutions या rotations per minute. Rotation या revolution per minute mean ये कितनी बार घूम रहा है, ठीक है, कितनी एक मिनट में कितनी दफा ये घूम रहा है, this is basically called revolutions per minute. अच्छा, तो अब होगा क्या? इसका जो basic formula है, पहले हम एक basic formula लिख लेते हैं। ये जो फार्मूला है ये मैंने पिछली वीडियो में ब्लो रूम की कैलकुलेशन में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, पहले जाके वो देखें फिर इस पे आ जाए। अच्छा, खैर मैं इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए, पहले पाई डी एन लिख लो, ठीक है, ये फार्मूला है। अच्छा, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, SS आ जाएगा, सरफेस स्पीड आ जाएगा, उसको डिवाइड करो 36 से। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस स्पीड आएगा वो फॉर एग्जांपल हमारे पास पिछले में आया था 706.5 इंच पर मिनट, ठीक है, तो वो इंच में आएगा और पर मिनट में आएगा। तो हमें किस में चाहिए? इंच में नहीं चाहिए, हमें यार्ड्स में चाहिए, इसलिए हमने इसको 36 से डिवाइड कर दिया। 36 से डिवाइड करके फिर इसको मल्टीप्लाई करो 60 से। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पर हार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन था। तो अगर हम यहां तक करें और फॉर एग्जाम्पल हम पाई ले ले, पाई का जो यूनिवर्सल वैल्यू है, तो पाई की यूनिवर्सल वैल्यू है 3.14, डाया हमने ले लिया 9 इंच और एन हम ले लेते हैं 25, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट हमने 25 ले लिया। तो जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3.14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू देगा 1177.5 यार्ड्स पर हार। ये हमारे पास बेसिकली इस एक मशीन की प्रोडक्शन है। लेकिन ये क्या है? ये कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है। अभी हम मशीन पे गए नहीं,
हमने डायरेक्ट 60 मिनट्स का मतलब पूरे हार की कैलकुलेशन कर ली कि एक घंटे में ये मशीन हमें इतनी प्रोडक्शन देगा, देगा है नहीं, प्रोडक्शन दिया नहीं है, देगा, हमने कैलकुलेशन की है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कैलकुलेटेड प्रोडक्शन। और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? तो एक्चुअल प्रोडक्शन ये है कि जब इस फार्मूले के साथ उस मशीन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे, एफिशिएंसी क्या कि कितना टाइम चला, फॉर एग्जांपल 60 मिनट्स यहां मैंने कैलकुलेटेड में किया था, फॉर एग्जांपल 5 मिनट खराबी में कोई फॉल्ट आया तो मशीन बंद हो गया, 10 मिनट्स मेंटेनेंस लेने लिए, मतलब ये है कि टोटल 15 मिनट्स मशीन बंद रहा, 15 मिनट्स कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। तो अब ये है कि हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि पाई है, डी है, एन है, वही 36 मल्टीप्लाई 45 का क्या मतलब है, 45 का मतलब ये है कि मशीन 45 मिनट चला। क्या मतलब है, 60 - 15 = 45, 15 मिनट किसने लिए, मेंटेनेंस ने लिए, और 60 मिनट चलना था तो 45 मिनट। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, इससे हमारा आएगा 883 यार्ड्स पर मिनट। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है बेसिकली, मतलब ये है कि कैलकुलेटेड हमारे पास कितना था, 11775 यार्ड्स पर मिनट, ये हमारे पास कैलकुलेटेड था जब हमने हिसाब किताब किया कि एक घंटे में इतना प्रोडक्शन देगा। लेकिन जब हम मशीन पे चले गए तो 15 मिनट वहां हमारे जाया हुए, तो क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन कम आया। याद रखिएगा एक्चुअल प्रोडक्शन हमेशा कैलकुलेटेड से कम होता है, क्योंकि एफिशिएंसी कभी भी एक मशीन की हमारे पास 100% नहीं आती। एक तरीका तो ये है, ये तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बेसिकली फार्मूला ये नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बेसिकली एक्चुअल प्रोडक्शन है, ये कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहां देखें कि ये कैलकुलेटेड हो गया, ये एक्चुअल हो गया, अब इससे एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने तीसरा टॉपिक क्या ना, मशीन एफिशिएंसी, कि मशीन की एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सी एक बात है कि ये जो हमारे पास एक्चुअल है, तो एक्चुअल डिवाइड बाय कैलकुलेटेड, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो एक्चुअल प्रोडक्शन जब हम कैलकुलेटेड पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, जैसे कि 883 डिवाइड बाय 11775 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आती है 75%। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 75% हमारे पास एफिशिएंसी है, किसकी, इस मशीन की 75%। अच्छा अगर डायरेक्ट हम इस तरह ना करें कि 45 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ तो हमने 60 से किया था कैलकुलेटेड में, अगर हम करें कि कैलकुलेटेड प्रोडक्शन डायरेक्ट कन्वर्ट करें एक्चुअल में, ये ना करें कि पहले 60 से मल्टीप्लाई था उसका अलग आंसर था, पहले 45 से मल्टीप्लाई किया उसका अलग आंसर था, हम एक ही फार्मूले में सब कुछ पुट कर देते हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो फार्मूलाज मैंने एक्सप्लेन किए हैं सारे, ठीक है, ये उस केस में है जब हमारे पास मशीन एफिशिएंसी गिवन ना हो, ठीक है, जब हमें नहीं बताया गया हो कि हमारे पास मशीन एफिशिएंसी कितनी है, और हमें जस्ट ये बताया गया हो कि एक घंटे का, एक हार का हमारे पास कैलकुलेटेड या एक्चुअल प्रोडक्शन फाइंड आउट कर लो। तो सिंपल हम ये कर लेंगे कि जो सरफेस स्पीड है SS का, पाई डी एन डिवाइड बाई 36, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास कैलकुलेटेड प्रोडक्शन आ जाएगा जो कि हमारे पास था 11775, और अगर उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्चुअली मशीन कितना चला, उसमें 15 मिनट्स जो है वो मेंटेनेंस पे लगे या फॉल्ट पे लगे, तो उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे SS को, तो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन आया। और फिर क्या करेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय कैलकुलेट प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारे पास मशीन की एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा अब एक और केस है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मशीन एफिशिएंसी गिवन हो,
और हमें ये बताया जाए कि कैलकुलेटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन फाइंड आउट कर लो। तो सिंपल है, कैलकुलेटेड के लिए तो एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है, उसमें तो सिंपल ये है कि पाई डी एन मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 36, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कैलकुलेटेड प्रोडक्शन। ये तो सिंपल है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन हो और हमें ये बताया गया हो कि एफिशिएंसी जो मशीन की है परसेंटेज में अक्सर होती है ज़्यादातर वो 75% है, तो अब फाइंड आउट करो कि हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होगा। तो अगर हम ये कर ले कि पाई डी एन वही हम पुटिंग कर ले कि 3.14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 60। अब ये मैं एक्चुअल पे आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मेरे पास 45 मिनट नहीं पता, यहाँ मेरे पास जस्ट गिवन है कि एफिशिएंसी 75% है बस। ये हम कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 75, चूंकि ये परसेंटेज में है तो डिवाइड करेंगे इसको 100 से भी, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा दिस इज बेसिकली कॉल्ड एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये फॉर्मूला है, तो अगर इसको सिंपल में लिख लूं तो होगा पाई डी एन डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई एफिशिएंसी परसेंटेज, ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना आ रहा था हमारे पास, जो पहले था वो कितना आ रहा था, वो हमारे पास आ रहा था 11775 यार्ड पर हार। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कैलकुलेटेड प्रोडक्शन। यहां से यहां तक ये कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है, ये इसका इजाफी एफिशिएंसी जब मशीन की एफिशिएंसी रेट होगी तो ये एक्चुअल पे चेंज होगे। अच्छा, तो इसका आंसर, अच्छा इस चीज के लिए अगर आपको 75% 85% दिया हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 100 पे डिवाइड ना करें और आप 0.75 मल्टीप्लाई करें, या अगर आपके पास 85% हो तो 0.85 ये मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज में दिया है तो क्या करें, 75 डिवाइड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई करें उसके साथ। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 88.3 यार्ड्स पर हार, ठीक है। पहले क्या था, ये टोटल कितना था 1177.5, और जब इसको एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास ये आंसर आया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट बात एक और है इसके साथ साथ, कि नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करें जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन बटन, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपको इसी तरह अच्छी वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच।